दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में नाथ पंथ का वैश्विक प्रदेय विषय पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतिम दिन 5वें सेक्टर के 5वें तकनीक सत्र में नाथ पंथ एवं गोरक्षा विषय पर विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे। बतौर मुख्य वक्ता काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एग्रोनॉमी विभाग के आचार्य प्रोफेसर राम कुमार सिंह ने कहा कि नाथ पंथ में गाय के संरक्षण पर विशेष जोर है, क्योंकि गाय के दूध के उत्पाद से मानव पोषण सुनिश्चित होता है। गोरक्षा में इन संकटों से बचा जा सकता है। ये संकट है सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, कृषि व स्वास्थ्य। प्रोफेसर सिंह ने जैविक कृषि में गोबर के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने अपने व्याख्यान में महाभारत और अन्य ग्रंथों में वर्णित विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से गौरक्षा और संरक्षण तथा मानव जीवन में गाय के मूल्य पर अपने विचार रखे। गोवर्धन पूजा, पोंगल आदि त्योहारों के माध्यम से गाय के सांस्कृतिक व धार्मिक महत्व पर भी चर्चा की। साहित्यकार डॉक्टर फूलचंद गुप्ता ने गोरखनाथ मंदिर की विशिष्टता पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत के विभिन्न प्रांतों में गोरखनाथ मंदिर है, जिसमें सबसे प्रमुख गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर है। वाणिज्य प्रबंधन विशेषज्ञ वशिष्ठधर द्विवेदी ने अपने व्याख्यान में लोक कल्याण की भावना को महत्व दिया। उन्होंने शरीर अर्थात पिंडों को ब्राह्मण का स्वरूप माना। नाथ दर्शन की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि 16 विद्या 64 कला का प्रतिबिंब का नाथ पंथ दर्शन में दिखता है। योगी भगवान नाथ ने अपने उद्बोधन में कहा, नाथ संप्रदाय ने भारतवर्ष को क्या दिया है, इस पर चर्चा की। IIT BHU के आचार्य डॉ. अमृता चतुर्वेदी ने नाथ पंथ का परिचय देते हुए नवनाथों की चर्चा की तथा काया शुद्धिकरण के लिए योग पर बल दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. BN सिंह ने किया। माननीय श्री के वी राजू जी, आर्थिक सलाहकार, उत्तर प्रदेश शासन, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व जो हमारे यहाँ सभागार में उपस्थित हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नाथ पंथ का वैश्विक प्रदेय 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र में हम यहाँ उपस्थित हैं। यूं तो नाथ पंथ के अंतर्गत कई बड़े योगियों की चर्चा होती है, जैसे श्री मत्स्येन्द्रनाथ जी, जालंधरनाथ जी, भरत हरि, गोपीनाथ जी, परंतु इस पंथ की विशिष्ट पहचान शिव अवतारी महायोगी गुरु गोरखनाथ से है, जिन्हें नाथ पंथ का प्रणेता भी माना जाता है। सदियों से भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म, दर्शन, साहित्य को नाथ के नाथ पंथ की देन अपूर्व है। मनुष्य को परम तत्व से जोड़ने की दृष्टि से इन महापुरुषों के साहित्य एवं विचारों की भूमिका महत्वपूर्ण तो है ही, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने की दृष्टि से भी ये कम नहीं है। इसी कारण से इनका प्रभाव व्याप्त भारत भर में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों तक दिखाई देता है। आज इनके दर्शन, विचारों एवं कर्मों की प्रासंगिकता का प्रमाण इस संगोष्ठी का आयोजन है, जिसमें नाथपंथ से संबंधित विभिन्न आयामों पर 6 विमर्श संवर्ग एवं
34 तकनीकी सत्र रखे गए थे। साथ ही सांस्कृतिक संध्या, पोस्टर प्रतियोगिता, पुस्तक प्रदर्शनी, नागपंथ के पर केंद्रित पुस्तकों के विमोचन द्वारा इसमें बृहद प्रतिभागिता सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया गया। अभी प्रोफेसर ममता सिंह जी ने इस संगोष्ठी के बारे में और खासतौर पर उसके उद्देश्य के बारे में चर्चा की। हम लोगों का ये सौभाग्य है कि पिछले 3 दिनों में अपनी उपस्थिति, अपने योगदान, जो शोध पत्र यहाँ प्रस्तुत किए गए और जिस स्तर की प्रतिभागिता हुई, उन सभी दृष्टियों से ये संगोष्ठी अत्यंत सफल कही जा सकती है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से मैम बता रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी जो प्रतिभागिता का स्तर रहा है, आज सुबह डॉक्टर सचिन सिंह जी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस संगोष्ठी को हम देश और दुनिया में सफलतापूर्वक प्रसारित कर सकें। आज वो सुबह बता रहे थे कि इसमें पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या 10,000 से भी ऊपर विभिन्न सत्रों में रही। तो ये एक बहुत संतोष का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। और लोगों की प्रतिभागिता हर स्तर, हर सत्र में और हर कार्यक्रम में रही है, ये हम सभी के लिए और भी अधिक संतोष का विषय है। से लोग पधारे हैं और इस समय समापन सत्र में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे नगर के प्रथम नागरिक आदरणीय महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी मौजूद हैं और 2 पूर्व महापौर आदरणीय श्रीमती अंजित चौधरी जी और आदरणीय श्रीमती सत्या पांडे जी यहाँ पर। तो हम ये कह सकते हैं कि नगर का भी पूरा प्रतिनिधित्व यहाँ पर हो रहा है और ये हम सभी के लिए और भी प्रसन्नता। मैडम ने अभी संगोष्ठी के उद्देश्यों के प्रति जानकारी आपको भी एक बार उसका वाचन किया। उन उद्देश्यों के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये वास्तव में एक उपलब्धि परक और बहुत ही सफल संगोष्ठी थी जिसने अपने सभी 5 उद्देश्यों को शत प्रतिशत पूरा किया।